बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। जिनाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बरकतें ही बरकतें हों, रब की रहमतें और फजल ही फजल हो, तो एक काम कर लें जो इंतहाई आसान है, मुश्किल नहीं है। इससे क्या होगा कि आपके घर में रब की रहमतें होंगी, बरकतें होंगी, दौलत के अंबार नजर आएंगे और जो भी आपकी ख्वाहिशात होंगी और दुआएं होंगी अल्लाह ताला वो अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा। सिर्फ एक काम कर लें और वो काम ये है कि आप रमजान मुबारक में सहरी के वक्त तो उठते ही हैं, सिर्फ करना ये है कि उस सहरी के वक्त में आपने दो रकत नमाज तहज्जुद अदा करनी है। इसकी एक तो बरकत ये होगी कि आप पूरा महीना नमाज तहज्जुद अदा करने वाले नेक शख्स बन जाएंगे, और दूसरी इसकी बरकत ये है कि जब आप सहरी के लिए उठ रहे हैं उस वक्त नमाज तहज्जुद का टाइम भी होता है, तो आप दो रकत नमाज तहज्जुद अदा करें, उसके बाद जो भी आपकी दुआ और जो भी ख्वाहिश है उसके मुतालिक रब से सवाल करें, तो इंशाअल्लाह रब ताला आपकी उस दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा। क्योंकि ये ऐसा बरकतों वाला टाइम होता है कि अहदीस के अंदर है कि उस वक्त रब ताला की खास तजलियां होती हैं और उस वक्त बंदा जो रब से दुआ मांगता है रब ताला वो अता करता है। तो कोशिश करें कि रमजान मुबारक के अंदर सहरी के वक्त वैसे भी उठना होता है, थोड़ा सा जल्दी उठकर नमाज तहज्जुद अदा करें और उसके बाद रब ताला की बारगाह में दुआ करें, तो इंशाअल्लाह आपकी जो भी दुआ होगी अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा।